नमस्कार दोस्तों, मैं काला नैन आप सभी का स्वागत करता हूं जी आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पे। जी सभी भाइयों का स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो काफ़ी शानदार वीडियो होने वाली है, बिल्कुल जानी मानी जगह से वीडियो लेके आए हैं जी। तो देखिए पहले भी यहां से काफ़ी शानदार एक से एक चैम्पियन पशुधन जो इस फार्म से निकल के गया जी, तो लगभग सभी भाई को जानते भी है। तो देखिए काफ़ी शानदार मुर्गा के नायाब नगीने जो दो पशुधन अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये दोनों पशुधन सेल हो गए, आज पंजाब को जाने के लिए तैयार है जी। तो सुनील भाई अजुगलान से उनके घर से वीडियो शूट कर रहे हैं, तो एक एक डिटेल है वो भाई से लेंगे। तो आइए भाई साहब। राम राम भाई काले, सारे भाइयों ने राम राम। सुनील भाई साहब राम राम। तो भाई जी ठीक ठाक हो? ठीक ठाक भाई, काम धंधा बढ़िया चल रहा है? बढ़िया। तो ये दो भैंस भाई साहब सेल कर दिया है? हाँ ये दो। तो सबसे पहले तो भाई साहब अपना नाम एड्रेस कंफर्म कराओ एक बार। मेरा नाम सुनील भाई। हाँ जी भाई, जुगलान जिला था। ठीक है भाई साहब, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर और बताओ सुनील भाई साहब। 97292। हाँ जी 34700। तो सुनील भाई को लगभग सभी भाई जानते भी हैं, काफ़ी बार मेलों की बात करें या किसी भी तरीके से या जो लाइव मिल्किंग की बात करें तो वो भी भाई ने काफ़ी ज़्यादा कराई हुई है। तो देखिए एक से एक शानदार पशुधन भाई के फार्म से निकल के आया है। तो भाई साहब आज ये दो जोटियाँ जो इस साइड एक नंबर पे जोटी एक नंबर पे वो आप देख सकते हो। देखिए चेहरा मोरा की क्वालिटी और सिंगों की क्वालिटी वो आप देख सकते हो। पीछे की तरफ बात करते हैं तो पीछे से चौड़ाई आप देख सकते हो, नीचे से अडर की क्वालिटी की बात करें वो भी आप देख सकते हो। दोपहर के टाइम में वीडियो शूट कर रहे हैं, साइड से आप ये देखिए थनों में स्पेसिंग की बात करें किसी भी तरीके से वो आप देख सकते हो, काफ़ी शानदार। जो चार दांत भाई ने खरीदी थी मौके पे, छह दांत है सुनील भाई साहब, तो अभी मौके पे छह दांत है और 17 किलो दूध भाई साहब बिल्कुल तैयार है इसके नीचे। दो टाइम चुवाई करके लिया है। तो देखिए पहले ब्यांत की दो टाइम चुवाई करके 17 किलो दूध और अभी मौके पे छह दांत, अभी नॉर्मल खड़ी का पीछे की तरफ आप ऑर्डर देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा। देखिए दोनों साइड से भाई ने बोले कि अभी कोई भाई ये सोचे कि टाइम लगे, ये डोके में आई हुई है बिन्ने के लगभग भी आई होगी। तो देखिए साथ में वो कटड़ी है, तो आगे नई गैबिन होने के लिए तो भैंस डोके कर रही है। तो आगे फिर दो नंबर पे ये भैंस देख सकते हो, ये भी काफ़ी बड़े साइज के साथ। तो इसकी क्या डिटेल है सुनील भाई? सेकंड ब्याह है। हाँ जी भाई साहब, 6 दिन की ब्याह होगी भाई, 6 दिन की ब्याई। हाँ 15 किलो दूध तैयार, 6 दिन की ब्याई के नीचे। हाँ। तो देखिए 6 दिन की ब्याई के नीचे जी 15 किलो दूध मौके पे तैयार है। साइज आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज के साथ, नीचे से इसकी भी क्वालिटी आप देख सकते हो, ऑर्डर की क्वालिटी देखिए। जो 6 दिन की ब्याई में 15 किलो दूध भाई साहब, 15 किलो दूध है। तो ये भी भाई साहब पंजाब दोनों से लोग जोड़ा दिया है। तो किस भाई ने लिया भाई साहब? ये संजू भाई है, एक भाई और है, मन नहीं भी रहा है। तो संजू भाई को भी लगभग सभी भाई जानते हैं। तो भाई साहब ठीक ठाक हो? बढ़िया भाई जी, आप बताओ। तो ये दो भैंसे लिया भाई साहब? हाँ जी भाई। तो ये अपने घर पे जाएगी भाई साहब? भाई ये जा रही है लुधियाना, रतन डेयरी फार्म है जी, लुधियाना राहो रोड पे जी। रतन डेयरी फार्म है जी। ठीक है भाई साहब, बड़े भाई हैं तो भाई वीडियो थोड़ा कम बनाते हैं। ठीक है भाई साहब, आगे कैमरा इनको दिखा दो एक बार। तो ये देखिए रतन भाई, रतन इनके फादर साहब का नाम था, फादर साहब का। तो इस भाई का नाम है धर्मेंद्र नाम। तो ये देखिए धर्मेंद्र भाई बिल्कुल जो वीडियो में आने से मना कर रहे हैं। तो संजू भाई साहब दोनों भैंसों में कितना दूध देखा है? सब इसमें 4 दांत जोटी में 17 किलो दूध देखा है। हाँ जी, और ये दूसरे भैंस की जोटी है इसमें दूध देखे आप 1500 ऊपर दूध है इसमें, 1500 प्लस है। हाँ 1500 प्लस दूध है इसमें। हाँ जी, और ये दोनों भाई के पास जा रही है डेयरी पे। तो मैं इस वीडियो का पर्पज ये है बनाने का कि मैंने पहली डेयरी ऐसी देखी है जिसने ग्वाल में ऐसी भैंस बांध रखी है। सुनील भाई के पास? हाँ नहीं, सुनील भाई के पास जो रतन डेयरी फार्म है। हाँ जी भाई, हाँ जी भाई साहब, मैंने पहली ऐसी डेयरी देखी है जिसमें इस क्वालिटी के पशु ग्वाल में बांध रखे हैं। इस क्वालिटी के पशु, लगभग इस क्वालिटी के पशु है सारे भाई के पास रतन डेयरी फार्म पे। रतन डेयरी फार्म पे। तो लगभग कितने दूध से कितने दूध की भैंस है भाई साहब ग्वाल में? भाई साहब इनके पास लगभग कोई 150 से ऊपर पशु है। हाँ जी, और ज्यादा नहीं मैं कहता तो कम से कम अगर हम छाट के निकालेंगे तो 25 किलो प्लस की भैंस निकल आएंगी। 10 भैंस 25 किलो प्लस की है डेयरी में, 20-20 किलो वाली तो कई है,
काफी ज्यादा है जी। इस जो ये पशु अभी लिए है इस क्वालिटी के ही पशु लगभग इनके पास है पहले भी सारे, यानी ये नहीं की ग्वाल में भी छोटी भैंस टॉप की भैंस है सभी की, सारी टॉप की भैंस है। तो देखिए कभी मौका लग गया तो तक मेरे ख्याल कहीं वीडियो नहीं आई इनकी, कभी किसी चैनल पे नहीं और पे कभी फेसबुक पे कहीं नहीं है इनका कोई भी ऐसे। लेकिन जो मैं पशु देखे हैं तो पशु देखने के बाद भाई मैं भी एक बार तो हुआ था कि ऐसे ऐसे पशु ग्वाल में किसी के पास बांधे देखे नहीं अभी तक। तो कभी मौका लग गया तो भाई साहब संजू आगे वीडियो खुद चाहता हूँ इनके पशु आगे आने चाहिए जरूर वीडियो शूट करेंगे भाई साहब। तो भाई साहब लगभग वहाँ पे फिर इनका तो दूध का काम है, दूध का काम है। तो दूध किस रेट से लो जो वहाँ पे दूध इनका मेरे ख्याल 70-80 रुपए से लगता है, 70-80 के बीच में। हाँ। तो ये जोड़ा भाई साहब फिर ये बताना चाहोगे भी कितने का लिया अभी? भाई साहब कुहाने को तो कुछ कुहा लो, लेकिन जो लोग बोलते इतने को इतने की जोटी लिए दोनों 6,30,000 की। 6,30,000 की। तो देखिए जी 6,30,000 रुपए की दोनों जोटियाँ सेल हो गए चली आई, एक पहले ब्यांथ की और एक दूसरे ब्यांथ की। वो कलियर आप देख सकते हो काफी शानदार जोटियाँ। और साथ में जो सुनील भाई से बात करेंगे तो सुनील भाई साहब अपना तो सेल परचेज का काम है साथ में। भाई, सेल परचेज का। तो कितने से कितने किलो दूध की भैंस है भाई साहब अपने पास से? अपने भाई आंधी रहे ले ले 15 किलो से लेके 25-30 किलो लेके भी आएगी भाई साहब। 25-30 किलो तक की। हाँ। तो किस रेट से किस रेट का ज्यादा पशुधन भाई साहब अपने पास है? अगर कोई भाई ज्यादा कर तो रखा पे ये 2 लाख और 4 लाख के बीच। ठीक है भाई साहब। और एक आज दिन है पसनाड़ी तेरा 5-6 की ले जाओ अलग बात। ठीक है भाई जी। तो 20-21 लाख की लेना अपने भी। ठीक है भाई साहब। तो देखिए काफी अच्छे अच्छे पशुधन भाई रखते हैं। तो एक जो भाई की भैंस जगराओं में पहले नंबर पे रही थी भाई साहब। हाँ 2023 में रही थी। 23 में वो सेल कर दी भाई साहब। हाँ, वो सेल। वो फिर बिल्लू भाई के पास गई है। हाँ, बिल्लू के। तो देखिए एक जो बिल्लू भाई के पास गई थी अभी मौके पे, उसने भी PDF जगराओं में कितना दूध रिकॉर्ड कराया था भाई साहब? उसका भाई 29 किलो 694 ग्राम दूध। ठीक है भाई साहब। तो देखिए यानी जो भाई ने 30 किलो दूध बोलिया वो क्लियर बोलिया। ठीक। तो देखिए साथ में जो भाई का सुनील भाई का नंबर चलिया, कोई भी भाई भैंस खरीदने का इच्छुक है तो भाई से भी संपर्क कर सकता है। और ये दोनों जोटियाँ पंजाब के लिए जो चलिया कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। और काफ़ी शानदार पशुधन देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।